तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ पराग, तो आइए आपको लेकर चलता हूँ। हमारा यहाँ से बराज जा रहे हैं, उसी में लेकर चलता हूँ। तो आपको दिखा दूँ सबसे पहले, तो ये देखिए बगल में ये है बस, इसी से जाना है बराज। और अभी अब निकलने वाला है बराज, इधर पब्लिक लोग भी हैं सब, इधर देख सकते हैं। तो आइए आपको गाड़ी में दिखाता हूँ अब। ये हाँ 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 अरुण संग गुलाबी, और ये है राजधानी बस। हाँ ये है हमारा ड्राइवर भैया, और ये है राजधानी बस, वैसा है। ये चलते हैं अब। तो ये सब बारात यहाँ से निकल चुका है, ये सब है बाराती लोग। और इधर ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, यही है लड़के के बड़े पापा गिरा राम। और आपको दिखा दूँ तो पीछे इधर, तो बस ऐसा ही नज़ारा था। ये हमारा एक बारात का ट्रिप है, और ये पीछे देख सकते हैं सब है बारात में। और हमें बहुत दूर जाना है, हमें यहाँ से 130 या 40 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा ये चिरमिरी। तो वही जाने के बाद अब आधे रास्ते में दिखाऊंगा आपको आधा रास्ता का नज़ारा कैसा है। खुर्द से सजा पहाड़ बजरंग बली कस कैसे कराए खद दिखे लाली रंग का लाली दे लाली लसे और धरे लाल लंगोट और क्या कहिएगा, बड़ा ही खतरनाक देख देख रहे कराए खाने में मादल हम लोग खो गए हैं। अरे रुका, आज रुको डालना चाल नहीं होई से होगी सोगी सो बार बोल ना भाई, मैं कैमरामैन हूं। और हम लोग देखिए टाइम आपको बता देता हूं, 11:55 हो रहे हैं अभी तक। हम लोग कोई डांस वगैरह कुछ भी टाइम दिखा, बढ़िया दिखा, जूम करके दिखाओ। ये देखिए 11:55 हो रहा है, नहीं तो दिख रहा यार। सजा पहाड़ में हमको सजा मिल रहा है, जैसे हमको फील हो रहा है। देखिए एक प्रचंडाओ भी है निराश, मैं स्वयं अखंड अभी गर्मी में तप रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा जितना गर्मी यहाँ पे उतना गर्मी शायद अंबिकापुर में भी नहीं होगा। हमारे बीच गर्मी के चलते मैंने जो है यहाँ पे मेरा शर्ट है उसको खोल दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मी नहीं है। हमारे बीच जाने वाले डांसर भी आए हुए हैं। हाँ अभी ठीक है, बढ़िया बढ़िया डांसर तार्जन जी, मगर डीजे ना आने के कारण उस निंदा लग रहा है। ये भी हनुमान भक्त है, प्रचंड टीका लगा के आए दोनों। ये हमारे डांसर है शिव तार्जन, और इधर ये गाना गाते हैं भैया, थोड़ा ललकार के बताइए ना का गीत। सजा दो घर को फूले से भी आए, ये हो जाए। कोई नहीं सजेगा भाई, बहुत दूर हो अभी है सजने को बाकी है। देखियो चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है चिपरा आंखों में। ले ले गाना का ही मोला सूट मार, चल रे गा रे, थोड़ा सा अपना बेसुरा आवाज से थोड़ा सा लय बना दीजिए। संजय जी गाना गाएंगे, शिव तार्जन भी हैं साथ में, डांस करके दिखाएंगे, अब डीजे बजेगा तब। अभी फिलहाल ही गाना गाएंगे, थोड़ा दिखाओ हमारा। चांदनी रात में, चांदनी रात में फोन आ गया भाई, थोड़ा फोन आ गया, थोड़ा सा डैडी जी का है। और इस जंगल में हम फंसे हैं, हम आए थे दोस्तों बारात, और हमें पता नहीं था यहाँ पर कि ये घनघोर जंगल के बीच में एक बस्ती है, और जंगल के जस्ट बगल में ट्रेन का पटरी है। तो रात में हमें कुछ पता नहीं चला, और जैसे सुबह हुआ उसके बाद फ्रेश होने के लिए हम इधर उधर अपना जगह देखने लगे, पानी कहाँ है, दातुन ब्रश से सब करना है।
तो जाके फिर हमको दिख रहा है कि आगे ट्रेन का पटरी है, तो आपको भी दिखाऊंगा और बता दूं यहाँ चिड़िया पक्षी के अलावा और कुछ नहीं है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, तो ऐसा है यहाँ का जगह। और इधर हमारे दीपक जी, और दीपक भाई सब बढ़िया। पटरी में ही जाएंगे पैदल? अच्छा, ट्रेन मतलब ट्रेन चढ़ना है रेलवे स्टेशन से? अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। दांडी यात्रा। तो ये देखिए, ये रोड का भी काम कर रहा है ये जो भाई साहब चल रहे हैं। रास्ता पता ना हो तो ट्रेन पटरी जो मिले उसी में आप चलते हो जाइए, पर ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, आगे से ट्रेन भी आ सकता है। बहुत लोग इस मतलब ऐसे चलते ट्रेन का शिकार हुए हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं पीछे, ये देखिए, और इधर ये देखिए, पानी बाटल दिखा यार। और इस बाटल को देखकर आप समझ सकते हैं कि हम इधर क्यों आ रहे हैं। आपको बता दूं, ये कालरी क्षेत्र है, मतलब कोयला इधर ज़्यादा मिलता है, और ज़्यादा मिलता है तो इधर का जो पानी का स्वाद है तो मेरे अंबिकापुर साइड से अलग है, बहुत अलग है। इस पानी में मिठास नहीं है, जैसे हम लोग घर में पीते हैं, मुंह में रखे और उसका स्वाद पता चल जाता है, मीठा लगता है, वैसा ये पानी नहीं है। इसका स्वाद ही अलग, तेल टाइप से लगता है। तो उसी के तलाश में दुकान में आए थे, कोई पानी बाटल लेंगे एक आध ठो और पियेंगे या ठंडा वगैरह। तो यहाँ दुकान भी नहीं है। तो दोस्तों, ये मैं छाया में पहुँच चुका हूँ। ये क्या पेड़ है? ये अलग पेड़ है यार, सराई नहीं है। नहीं, ये सराई नहीं है, ये अलग है। हाँ, कैसे? तो ये देख सकते हैं, एक पेड़ के नीचे आए हैं और यहाँ पर एक हमको कुआं नज़र आया है। तो अच्छी बात है कि ये कुआं के बाहर मैं देख रहा हूँ, इधर तो नमी है, ऐसा लग रहा है कि कुआं में पानी होगा। तो आपको दिखा दूँ जाने से पहले, मैं देख सकते हैं आप यहाँ पर कुआं है, और ये जो देख रहे हैं घास हरा हरा, और ये जो पानी का नमी, तो लगता ऐसा है कि इसमें पानी है ज़रूर, तो यही इसीलिए यहाँ पर नमी है। अब देखते हैं इसके अंदर कितना दूर पानी। अरे बाबा, मछली है, मछली करना पड़ेगा, मछली है यार भाई, मछली। ये देखिए गाइस, देखिए पानी के लिए, आज मेरे को समझ आ रहा है कि रेगिस्तान में लोग पानी को इतना कीमती क्यों मानते हैं। और मैं अपने घर में आपको बता दूं, ये तो कुआं देख चुके हैं आप, अब बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं अपने घर में पानी को कैसे क्या मानता हूँ। ये देखिए, ये बाल्टी है, और आपको दिखा दूँ तो ये देखिए चारों साइड जमीन देखेंगे तो एकदम सूखा नज़र आएगा, ये एक भी घास हरा नहीं। पेड़ पौधा है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जमीन देखिए, घास एक भी हरा नहीं है। तो समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा धूप हो गई यहाँ। और इधर कुछ घर बना हुआ है, स्कूल, ये जो घर है, और इधर स्कूल है, और इधर भी एक घर है, शायद स्कूल के साइड पानी होगा, स्कूल के साइड शायद पानी होगा। चलो दुकान देख लेते हैं, ये बदला है। दुकान में आ चुके हैं और पहुंच गए, और यहाँ इस दुकान में ये माजा और एक पानी का बाटल। तो बहुत मुश्किल के बाद यहाँ पर इस दुकान में हम आए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ दूर दूर तक कोई दुकान है नहीं, और दुकान है तो यहीं पर है एक दुकान, वो भी 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आ पाएंगे। तो जगह ऐसा है, और देखा जाए पहाड़ पेड़ पौधा के हिसाब से सुंदर है, पर यहाँ हम जैसे आए थे बारात, तो जहाँ पर बारात आए थे उस जगह में दुकान नहीं था, तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद दुकान हमको मिला। और ये जो पानी का बाटल आप देख रहे हैं, वो भी फ्रिज का ठंडा पानी अभी भरता हूँ, और पिए तो बहुत ही अंदर में वो शांति सुकून मिला,
बहुत देर से हम लोग पानी का तलाश में थे, हैंडपम्प कुआ सब मिल ही नहीं रहा था पानी ढंग से। तो दोस्तों ये समझ सकते हैं कि सच में जल ही जीवन है, आज मेरे को समझ आया। यहाँ मैं अपने गांव अपने क्षेत्र में जो बांध है उसके चलते वहाँ पानी का कोई कमी नहीं, तो वहाँ के लोग पानी के विषय में नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था, आज जान रहा हूँ यहाँ इस क्षेत्र में आया तो मैं कि पानी का महत्व क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे फिर से मिलते हैं, कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।